अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। पीड़िता की शिकायत पर क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अजमेर बाबूगढ़ से किया गिरफ्तार। क्रिश्चनगंज थाना अंतर्गत विवाहिता से शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने के आरोपी को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़िता को मोबाइल पर बातें करते करते अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का भरोसा देकर उससे संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई तो उसे उसके पहले पति के पास छोड़कर फरार हो गया। क्रिश्चनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 23 फरवरी 2024 को पीड़ित महिला ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने आरोपी पदमचंद जाटव पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोप लगाया। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की गई और कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए। टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए अंबेडकर नगर बाबूगढ़ निवासी 29 वर्षीय पदमचंद जाटव पुत्र मोहनलाल जाटव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी में थाने के कांस्टेबल करतार सिंह का मुख्य योगदान रहा। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने साथ रखा। बाद में पीड़िता को उसके ससुराल से सूरत लेकर चला गया, जहां करीब 3 महीने तक उसे किराए के मकान में रखा। 8 फरवरी को आरोपी पीड़िता को सूरत से अजमेर ले आया और अपने एक परिचित के मकान में रखा, जहां उसके साथ फिर से संबंध बनाए। पीड़िता ने जब शादी करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया। बाद में आरोपी ने पीड़िता को उसके पूर्व पति के पास जाने की बोलकर उसे बस स्टैंड पर छोड़कर अपनी पत्नी के पास चला गया। इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता को उसके पति ने भी रखने से इनकार कर दिया। पीड़िता वापस आरोपी के पास पहुंची तो आरोपी ने उसे रखने से इनकार कर दिया। बहरहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। अभी कुछ दिन पूर्व 23 तारीख को पुलिस थाना क्रिश्चनगंज से एक महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दी थी। उस महिला का आरोप था कि एक व्यक्ति पदमचंद जाटव, जिसने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, क्योंकि गंभीर प्रकृति का अपराध था। इसलिए सम्मान एसपी साहब और एसपी साहब दुर्ग सिंह जी राजपूत साहब, सीओ साहब कुमार सिंह जी भट्टी साहब ने विशेष टीम का गठन किया, जिसकी टीम के तहत ये आरोपी पदमचंद जाटव को अति शीघ्र हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसने इस महिला को शादी का झांसा दिया। ये दोनों ही पूर्व में शादीशुदा है, महिला भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है। उसने इसको कहा मैं फिर से वापस शादी कर लूँगा और इसके साथ शारीरिक शोषण किया, जिस विषय में इसको गिरफ्तार करना 30 जारी है। कहाँ करें बोला? ये बाबूगढ़ पुलिस थाना गंज का है। क्या नाम है इसका? पदमचंद जाटव, पुत्र श्री मोहनलाल जाटव। सर, किन धाराओं में इसको गिरफ्तार करें? ये दुष्कर्म की धारा है।